स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया गया, और आप देखिए उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो पर्सन है अतीसी, उनको रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग में दिल्ली का जो CM है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि दिल्ली प्रेजेंट समय में एक यूनियन टेरिटरी है। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ लिमिटेशंस है उसको भी यहाँ पे इम्पोज किया गया था दिल्ली के रिगार्डिंग में, कि ओनली जो 10% यहाँ पे पर्संस हैं उन्हीं को आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अंदर ऐड किया जा सकता है। अगर हम एक नॉर्मल स्टेट के रिगार्डिंग में इस लिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी आप देखिए कि यहाँ पे 15% का जो लिमिटेशन है वो आपको स्टेट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली के अंदर ये जो लिमिटेशन है वो 10% का है, कि ओनली 10% को ही यहाँ पे मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें यूनियन टेरेटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन्स हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है उसके अंदर में आपको यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि पार्ट 8 के द्वारा किन आर्टिकल्स को यहाँ पे कवर किया गया है, आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 है उनको पार्ट 8 के अंदर रखा गया है। और यूनियन टेरिटरीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजन्स है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक आर्टिकल है उसको भी यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 239 AA है जो आपको यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलता है दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजन्स है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे जो न्यू फेस है जिनको डिक्लेयर किया गया है CM के रिगार्डिंग में अगर उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आप देखिए कि जो अतीसी हैं दिल्ली का 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर के रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इससे पहले जो शीला दीक्षित मैम हैं जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन चीफ मिनिस्टर आपको हमारी कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, तो उनके द्वारा इस पोस्ट को सर्व किया गया था। उससे अर्लियर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं जो सुषमा स्वराज मैम, उनके द्वारा इस पोस्ट को सर्व किया गया था कुछ दिनों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंडिया के अंदर में 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है और किस स्टेट को उनके द्वारा सर्व है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 1963 के समय में जो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी आपको फ्रीडम मूवमेंट के समय भी इनका जो नेम है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो यूनाइटेड प्रोविंस है जो हमारा उत्तर प्रदेश है प्रेजेंट समय के अंदर में, उसको उनके द्वारा सर्व किया गया था एज ए 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर के रूप से हमारे कंट्री के अंदर में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि आप यहाँ पे बताइए कि 1st वुमेन जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो किसके द्वारा सर्व किया गया, 1st कौन वुमेन है जिनके द्वारा यूनियन मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो सर्व किया गया था। तो स्टूडेंट्स, 1st कैबिनेट जो हमारा है उसके अंदर आपको जो एक पर्सन का नेम देखने के लिए मिलेगा, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर आप देखिए कि जिनके द्वारा हेल्थ का जो पोर्टफोलियो है वो उनके द्वारा होल्ड किया गया था, और जो हमारा एम्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, राजकुमारी अमृत कौर 1st वुमेन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, सुचेता कृपलानी है, और दिल्ली के अंदर में आप देखिए कि जो अतीसी हैं वो 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर के रूप से यहाँ पे सर्व किया जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग किया करते हो उस स्टेट का जो 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर अगर किसी के द्वारा सर्व किया गया हो तो उनका नेम आप ज़रूर से लिखना, क्योंकि आप देखिए कि जब आप UPSC का इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गए तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार, कि आपके स्टेट का 1st वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, 1st वुमेन आपका जो गवर्नर कौन है आपके स्टेट का। और अगर आप स्टेट PCS के एग्जाम का भी जो बैकअप के रूप से प्रिपेयर करते हो तो वो भी आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके स्टेट के बारे में ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जो इंस्टेंट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है जो पब्लिक के अंदर काफ़ी पॉपुलर आपको देखने के लिए मिलेगा, कि इंस्टेंट किसी पर्सन के ऊपर अक्यूज्ड है वो बनाया गया किसी भी केस के अंदर में, और उसको आप देखिए कि उसका जो प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया कि
जो आई फॉर आई का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंस्टेंट जस्टिस के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स बुलडोजर जो एक्शंस हैं उनकी रिगार्डिंग में कुछ समय के लिए उनको बैन किया गया है, कुछ समय के लिए उनको रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि किसी भी केस के अंदर में कोई अक्यूज्ड पर्सन है तो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका डैमेज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोर्ट के द्वारा अपने इस पेटिशन के अंदर ही बताया गया है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई एनक्रोचमेंट किया गया, सपोज कीजिए रोड के ऊपर ही किसी के द्वारा हाउस को बिल्ट किया गया है, या आप देखिए कि किसी स्ट्रीट के अंदर में कोई यहाँ पे एनक्रोचमेंट का एक्टिविटी किया गया, किसी वाटर बॉडी के एरिया के अंदर उनके द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया है, तो उन एरियाज को आप देखिए कि वहाँ पे जो बेसिकली उनका जो डिस्ट्रक्शन है वो किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, वो यहाँ पे इंस्टेंट जस्टिस का जो पार्ट है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ही पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि कलकत्ता के वहाँ पे जो हीनियस क्राइम का जो केस है वो सामने आया था डॉक्टर के अगेंस्ट में, तो स्टूडेंट जो हीनियस क्राइम का जो केस है वहाँ पे कुछ प्राइवेट जो गार्ड्स हैं उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है कि प्राइवेट गार्ड्स को यहाँ पे रिक्रूट किया जाए वुमेन्स के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि आप देखिए कि जिस पर्सन वो हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग में जो अक्यूज्ड है वो भी यहाँ पे एक सिविल डिफेंस का ही वॉलंटियर हुआ करता था, जिसको पुलिस के द्वारा ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी, पुलिस सिस्टम का ही वो बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम के रूप से उनके द्वारा वर्क किया जाता था। तो बेसिकली आप देखिए कि इस तरीके के जो प्राइवेट रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग में मना किया गया है, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस तरीके का जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं होना चाहिए, सेफ्टी को हमें इंश्योर करना है हमारे जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिगार्डिंग में, हर एक वर्क प्लेस है वहाँ पर सेफ्टी का जो सिचुएशन है वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें आर्म्ड फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि 2021 का जो दिसंबर है उस समय ये इंसिडेंट है वो सामने आया था नागालैंड के, वहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको कोई इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हुआ था इंसर्जेंट जो पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में, तो सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा अटैक किया गया उस समय में, आप देखिए कि जो सिविलियन पर्सन का वहाँ पर डेथ हुआ था। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, तो आप देखिए कि ये जो एक्ट का जो ओरिजिन है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो ओरिजिन है वो आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के समय से देखने के लिए मिलता है, कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा उस समय किसी भी तरीके का जो यहाँ पे सीक्रेट जो एजेंसी सीक्रेट जो वर्क है उसको डील करने के रिगार्डिंग में कुछ इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया गया था जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में 1958 के समय इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर जो इंसर्जेंसी का जो सिचुएशन है उसको डील करने के रिगार्डिंग में 1958 के समय में आपको आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है, 1958 के समय का है। आप देखिए कि जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसी का सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर में किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है उसके पास में पावर है। गवर्नर के पास में क्या पावर है स्टूडेंट, सपोज कीजिए कोई स्टेट है, स्टेट का अगर किसी एरिया के अंदर जो डिस्टर्बेंस का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके थ्रू जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, और उस डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर में आप देखिए कि जो आर्मी है उसको यहाँ पे कुछ इम्यूनिटी है वो ग्रांट किया गया है। इम्यूनिटी किस तरीके से है कि विदाउट वारंट के बेसिस पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, एक वार्निंग के बाद में आप देखिए कि फायरिंग है वो भी किया जा सकता है। बट क्या स्टूडेंट जो हमारे आर्म्ड फोर्स के जो पर्सनल्स हैं जो पर्सनस हैं क्या या उनको यहाँ पे कम्प्लीटली इम्यूनिटी है कि वो उनके एक्शंस के रिगार्डिंग में कोई भी एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा, तो इस तरीके का इंसिडेंट है वो नहीं है स्टूडेंट्स। उनके जो एक्शंस है उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो इंक्वायरी है वो देखने के लिए मिलेगा, अगर उनके द्वारा किसी सिविलियन पर्सन के ऊपर अटैक किया गया है, ये उसी केस के रिगार्डिंग में है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको क्लोज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट प्रेजेंट समय में आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखिए कि नागालैंड है, नागालैंड के अलावा आसाम के कुछ पार्ट्स हैं, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, तो स्टूडेंट्स फोर स्टेट्स हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। एक तो नागालैंड है आप देखिए जहाँ पे इंसिडेंट है वो सामने आया था उसका जो मोवान टाउन है वहाँ पे, नागालैंड के अलावा स्टूडेंट्स आसाम है, आसाम के अलावा आप देखिए कि जो मणिपुर है और मणिपुर के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो त्रिपुरा है मेघालय है मिजोरम है वहाँ पे बेसिकली इसको लिफ्ट भी किया गया था, त्रिपुरा
मेघालय और मिजोरम के, वहाँ पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पहले हुआ करता था, उसका इम्प्लीमेंट किया गया था इंसर्जेंसी को रोकने के रिगार्डिंग में, बट लेटर फेज के अंदर में वहाँ पे पीस को जैसे ही इस्टेब्लिश किया गया तो उसका जो अपलिफ्टमेंट है, उसका जो लिफ्ट है, आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जब भी हम आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है, उनका नेम जरूर से पता होना चाहिए। इरोम शर्मिला इनका नेम है। इरोम शर्मिला के बारे में आप ज़रूर से रीड करना, ये कौन है, क्यों इनके द्वारा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था, तो इनके बारे में आप एक बार ज़रूर से रीड करना, ये कौन पर्सन है, क्योंकि आप देखिए कि इनका जो नेम है वो आप कोट कर सकते हो आपके मेंस के जो आंसर्स है उसकी रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के रिगार्डिंग में समय समय पर जो कमीशंस हैं, जैसे कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी है, 2005 के समय उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जेएस वर्मा कमेटी है, उनके द्वारा भी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के रिगार्डिंग में समय समय पे जो कमेंट है वो देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट समय में इतना लॉन्ग ड्यूरेशन की रिगार्डिंग में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के परस्पेक्टिव से इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, बट उसका जो सक्सेस रेट है वो आपको काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिलता है। इंसर्जेंसी को रोकने की रिगार्डिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बट आप देखिए कि 1958 के समय से लेकर 2024 तक जो इंसर्जेंसी है उसको काफ़ी कम है वो कंट्रोल किया गया। ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है उसको भी मेंशन किया गया है काफ़ी बार बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा। तो ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में था। उनको कम्प्लीटली इम्यूनिटी नहीं है, उनके अगेंस्ट में भी जो एक्शंस है उसके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, 450 जो ज्योति ज्योत दिवस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, जो ज्योति ज्योत दिवस है वो गुरु अमरदास जी हैं उनके रिगार्डिंग में है। सिखिज्म के जो 10th गुरुज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जब भी हम सिखिज्म के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो उसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, गुरु नानक हैं वो फाउंडर हैं सिखिज्म के। बाबा नानक के द्वारा आप देखिए कि सिखिज्म है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उनको जो एनलाइटमेंट है, बाबा नानक को जो ज्ञान का जो प्राप्ति होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप देखिए कि उस रिवर के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। सुल्तानपुर लोधी नाम का एक जगह है पंजाब के अंदर, जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है सुल्तानपुर लोधी। आप देखिए कि वहाँ से एक रिवर है वो फ्लो किया करती है, काली बेन उस रिवर का नाम है। ब्यास और सतलुज का जो कन्फ्लुएंस है उसके थ्रू वो रिवर है वो बनती है। ब्यास और सतलुज का जो कन्फ्लुएंस है उसके थ्रू वो रिवर है वो बनता है। रिवर का नेम क्या है, काली बेन इस रिवर का नेम है, काली बेन इस रिवर का नेम है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इस रिवर को रेजुनिवेट करने के रिगार्डिंग में या इसको क्लीन करने के रिगार्डिंग में बलबीर सिंह साचेवाल नाम के एक पर्सन है, बलबीर सिंह साचेवाल, ये नाम आप कोट कर सकते हो अगर आपसे मेंस के अंदर में कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके क्लीनिंग के रिगार्डिंग में या किसी भी ऐसे एक्शंस के रिगार्डिंग में कि पीपल्स के द्वारा भी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो किया जा सकता है हमारे कंट्री को सुंदर ब्यूटीफुल आप देखिए कि अच्छे से रखने के रिगार्डिंग में। तो बलबीर सिंह साचेवाल नाम के वो पर्सन है जिनको कि इको बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। बलबीर सिंह साचेवाल के द्वारा जो काली बेन रिवर है इसको रेजुनिवेट है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स, बाबा नानक को इस रिवर के वहाँ पे ज्ञान का जो प्राप्ति है वो हुआ करता है। बाबा नानक का जो टाइम पीरियड है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, 1469 से लेकर 1539 का वो समय है इनका जो टाइम पीरियड है। और आप देखिए कि इस टाइम पीरियड के जो कंटेम्प्रेरी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि क्या पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है बाबर क्या इनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, तो आप देखिए कि 1526 के समय फर्स्ट जो बैटल है वो लड़ा गया था बाबर के ही द्वारा इब्राहिम लोदी के साथ में, तो आप देखिए कि इनके कंटेम्प्रेरी हैं। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के द्वारा 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, जो सिखिज्म के अंदर जो सेकेंड सिख गुरु हैं, गुरु अंगद आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि गुरु अंगद हैं, उसके बाद में आपको गुरु अमरदास हैं जिनका कि ज्योति ज्योत दिवस है, 450 ज्योति ज्योत दिवस है उसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया था। फोर्थ आप देखिए कि गुरु रामदास जी हैं, फिर आपको गुरु अर्जन देव हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, फिफ्थ सिख गुरु हैं जिनके द्वारा जो आदि ग्रंथ है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। सिक्स्थ गुरु के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, गुरु हरगोविंद है, गुरु हरगोविंद है वो जो सिक्स्थ सिख गुरु हैं। फिर आपको स्टूडेंट्स गुरु हर राय हैं, गुरु हर राय के अलावा आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो 8th सिख गुरु हैं गुरु हर किशन हैं, और आप देखिए कि 9th सिख गुरु आपको गुरु तेग बहादुर और 10th सिख गुरु
गोविंद सिंह आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, या गुरु जो 10 सिख गुरु हैं उसके बाद में जो गुरुशिप है उसको अबोलिश कर दिया गया था, और आप देखिए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को लिविंग गुरु का जो स्टेटस है वो दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब है उसको लिविंग गुरु का जो स्टेटस है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में सिखिज्म के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए गुरु नानक के पर्सपेक्टिव से जब भी हम डिस्कस करते हैं तो करतारपुर कॉरिडोर भी आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में उसको प्रमोट किया गया है। आप देखिए कि एक जो गुरुद्वारा है वो इंडिया के साइड में यहाँ पे सिचुएटेड है, और एक गुरुद्वारा आपको पाकिस्तान का जो साइड है वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से कौन सा रिवर है वो फ्लो किया करता है, क्या यहाँ पे रावी रिवर है जिसके बैंक के ऊपर में जो करतारपुर कॉरिडोर है वो सिचुएटेड है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। कौन सा रिवर है, क्या रावी रिवर है या ब्यास रिवर है, ये अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में ज़रूर से रीड करना। तो स्टूडेंट्स, ये सिखिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो साइंस के पेज के ऊपर ये जो फोटो है उसको शो किया गया था। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ईस्टर आइलैंड के बारे में आपने ज़रूर से रीड किया होगा। ईस्टर का वो डे था जिस दिन इस आइलैंड को यहाँ पे डिस्कवर है वो किया गया था, इस समय इसको डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे आइलैंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि पॉलिनेशिया के अंदर आपको ये जो आइलैंड है, पॉलिनेशिया के अंदर ये आइलैंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। प्रेजेंट समय में जो चिली नाम का जो कंट्री है उसका ये टेरिटरी है। स्टूडेंट, चिली कहाँ पे सिचुएटेड है? चिली आपको लैटिन अमेरिका के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लैटिन अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे चिली नाम का जो कंट्री है चिली का ही सेप के अंदर वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आइलैंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें जहाँ पे इस तरीके का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर का जो स्टैचूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली जो ह्यूमन का जो हेड है उसके रिगार्डिंग में जो स्टैचूज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। आइलैंड का जो नेम है वो है रापा नुई, आइलैंड का जो नेम है वो है रापा नुई। और आप देखिए कि जो इस ह्यूमन हेड का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लेग्स का यहाँ पे एब्सेंस है, जो कि आपको बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब आप पपेट्री के बारे में रीड करते हो तो आप देखिए कि पपेट्री के अंदर आप हम एक रीड करते हैं स्ट्रिंग पपेट्री के बारे में। स्ट्रिंग पपेट्री के अंदर में आपको जो कठपुतली है, कठपुतली नाम का जो पपेट्री है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो कठपुतली पपेट्री है उसके अंदर भी जो लेग्स हैं उनका वहाँ पे एब्सेंस है, लेग्स वहाँ पे नहीं हुआ करते हैं। उसी तरीके से ह्यूमन हेड का इस तरीके से जो स्टोन का जो स्ट्रक्चर है वो सिचुएटेड है। रापा नुई नाम का जो आइलैंड है जिसको कि ईस्टर्न आइलैंड के नाम से भी जाना करते हैं, चिली का ये टेरिटरी है प्रेजेंट समय में, और पॉलिनेशिया के वहाँ पे सिचुएटेड है ये। स्टूडेंट सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है, यहाँ पे चिली है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिचुएटेड है पॉलिनेशिया के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है चिली के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जब भी हम चिली के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आप देखिए कि चिली नाम का जो कंट्री है वो इस तरीके से लेंदी है, लेंदी इस तरीके से कंट्री है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर ये आपको एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, और सेंट्रल पार्ट के अंदर डिफरेंट है। तो आप देखिए कि इस कंट्री के अंदर में 3 डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रेजेंस है। तो कौन कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो आप होमवर्क के अंदर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो जीसी लियोंग नाम का जो आपका बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में, तो उसका जो पार्ट सेकेंड के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो चैप्टर्स हैं उनको मेंशन किया गया है, उसके बारे में आप ज़रूर से बताना। वहाँ बुक से आप रेफर कर सकते हो, रेफरेंस बुक है आपके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें डेथ पेनल्टी के पर्सपेक्टिव से है, क्या हमारे कंट्री के अंदर जो डेथ पेनल्टी है काफ़ी बार ऐसे जो हीनियस क्राइम है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो डिमांड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्सन को यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो दे दिया जाए, इनके द्वारा जो हीनियस क्राइम है उसको कमिट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो कंटिन्यूस इंडिया के अंदर में इसका जो इंक्रीजिंग है, जो इसके केसेज का जो इंक्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली आप देखिए कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एपरिजिता जो बिल है उसको पास किया गया था, बिल के अंदर भी जो हीनियस क्राइम अगर किसी के द्वारा कमिट किया गया है रेप के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि वहाँ पे डेथ पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया। उसी एक्ट के रिगार्डिंग में, उसी लॉ के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारा जो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है,
इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस है उसको अमेंड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा वेस्ट बंगाल के उस एक्ट के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स अगर हम एनसीआरबी के जो डाटाज हैं हीनियस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो एनसीआरबी के जो डाटाज हैं उसके द्वारा बताया गया है कि कंप्लीट ईयर के अंदर में 31,000 के आसपास जो केसेज हैं हीनियस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन या रेप के जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप देखिए कि इनको अगर हम कैलकुलेट करें आवर के बेसिस पे तो एवरी आवर के अंदर में आपको 4 जो केसेज हैं वो आपको ऑब्जर्व हैं वो किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम केसेस देखने के लिए मिलेंगे, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको जो मोर हीनियस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन के जो केसेस हैं एनसीआरबी के जो डाटा है उसकी रिगार्डिंग वो देखने के लिए मिले। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके द्वारा बताया गया है डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग में कि प्रेजेंट समय में जो 70% जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा जो डेथ पेनल्टी है उसको अबोलिश किया गया है। अराउंड द कंट्रीज आप देखिए कि 70% इस तरीके के कंट्रीज हैं जिनके द्वारा जो डेथ पेनल्टी है उसका जो अबोलिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनके द्वारा कुछ ऐसे क्राइम्स हैं, कुछ हीनियस क्राइम है उसके रिगार्डिंग में जो डेथ पेनल्टीज हैं उनका जो प्रोविजन है वो मेंशन देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें साउथ एशिया के जो कंट्रीज है वहाँ पे डेथ पेनल्टी के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो भूटान एंड नेपाल हैं, जो भूटान एंड नेपाल हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है उसको अबोलिश किया गया है। भूटान एंड नेपाल के द्वारा जो डेथ पेनल्टी है उसको कम्प्लीटली अबोलिश किया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मालदीव एंड श्रीलंका है वहाँ पे भी जो कुछ केसेस के अंदर में इसका जो डेथ पेनल्टी है वो देखने के लिए मिलेगा या आप देखिए कि वो प्रोग्रेस के अंदर में है कि उनके द्वारा भी अबोलिश किया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। बट प्रेजेंट समय में जो कंप्लीट प्रैक्टिस है वो आपको डेथ पेनल्टी का प्रैक्टिस आपको इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड डेट बांग्लादेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या आप देखिए कि हमारे जो 4 कंट्रीज हैं इंडिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आप देखिए कि बांग्लादेश है वहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है उसका प्रैक्टिस है वो किया जाता है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि 1980s के समय आपको एक केस है वो देखने के लिए मिलता है, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है। आप देखिए कि बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस है। स्टूडेंट्स इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हैं, कुछ ऐसे केस हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं उसी के रिगार्डिंग में जो डेथ पेनल्टी है उसको इम्पोज किया जाए हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा। अगर हम इंडिया आप देखिए कि अगर हम क्राइम वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसके डेटरेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जो जेएस वर्मा कमेटी है निर्भया केस के बाद में जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा भी कहा गया था कि यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो सॉल्यूशन नहीं है, वुमेन्स का जो सेफ्टी है उसको एंश्योर नहीं करता है कि अगर आपके द्वारा स्ट्रिंजेंट यहाँ पे जो सजा है वो दिया गया किसी भी पर्सन को तो आप देखिए कि वो बेसिकली क्राइम को कमिट करने से नहीं रोकता है। आपको एवरी सेक्टर के अंदर में जो इंगेजमेंट है किस तरीके से यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको रोका जाए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर भी आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑफेंस है उनको इनक्रीज किया गया, जिसके अंदर में आपको अर्लियर फेज के अंदर 12 ऑफेंस वो हुआ करते थे, अब 18 ऑफेंस है जिनको कि ऐड किया गया है। मोर आपको जो डेटरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा रेदर देन द वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो इनिशिएटिव्स है उनको लेस वे के अंदर चलाया गया, डेटरेंट पर्सपेक्टिव से आपको मोर यहाँ पे जो ऑफेंस है उनको ऐड किया गया है। जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा भी इसको नहीं माना गया था कि क्राइम इससे कमिट होने से रोकेगा। और आप देखिए कि 2019 के समय से आपको कंटिन्यूस ऐसे केसेज हैं उनका नंबर इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा जो डेथ पेनल्टी है वो दिया गया किसी भी एक पर्सन को उस केस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यमन के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि रिसेंटली एक न्यूज़ है वो सामने आया था कि यमन के वहाँ पे जो हौती रिवेलियंस हैं, यमन के वहाँ पे जो हौती रिवेलियंस है उनके द्वारा बेसिकली इजराइल के वहाँ पे अटैक किया गया। स्टूडेंट्स इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है या आयरन डोम का जो सिस्टम है आप देखिए कि एयर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे डिटेक्ट है वो नहीं किया गया था, होतीज के द्वारा जो यहाँ पे फायर किया गया इजराइल के वहाँ पे। इससे अर्लियर फेज के अंदर भी आप देखिए कि होती जो रिबेलियंस है उनके द्वारा 2000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हुए एक फायर है वो किया गया था इजराइल के पर्सपेक्टिव से।
तो इजराइल के जो फोर्टिफाइड स्काईज हैं, जो वहाँ पे एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, इजराइल का जो सेफ्टी है, उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स हैं उनको ये रेज करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, क्या इजराइल के द्वारा भी काउंटर अटैक किया गया होतीज़ के वहाँ पे, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा भी होतीज़ का जो रेड सी एरिया के अंदर में जो उनका पोर्ट है, जिसको कि हम हुदैदो पोर्ट के नाम से जाना करते हैं, हुदैदो नाम से वो पोर्ट है रेड सी के अंदर में, जो होतीज़ के द्वारा बेसिकली उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे अटैक है वो किया गया था, बट कंटिन्यूस आपको रेड सी के अंदर में जो इंटरवेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा होती जो जो रेबल ग्रुप है उनके द्वारा। 2014 के समय होतीज़ के द्वारा यमन के वहाँ पे पावर है उसको टेक ओवर किया गया। आप देखिए कि जो पैरेलल गवर्नमेंट है जिसको कि सऊदी अरेबिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, तो सऊदी के द्वारा जब मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए गए, सऊदी का जो बॉम्बिंग किया गया उसको भी होती रेबल्स के द्वारा आप देखिए कि फेस किया गया है उनके द्वारा, सऊदी के अगेंस्ट में जो अटैक एंड काउंटर अटैक का जो काफ़ी बार आपको न्यूज़ देखने के लिए मिलता है। ईरान के द्वारा इनको बेसिकली सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। रेड सी के अंदर प्रेजेंट समय में जो टैंकर्स का जो अटैक है, रेड सी के अंदर से जो ट्रेड वहाँ से कैरी आउट हुआ करता था, उसके रिगार्डिंग में जो डिस्टरबेंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रेजेंट समय में जो इजराइल है उसके द्वारा आप देखिए कि थ्री जो फ्रंट है, तीन ऐसे एरियाज है जहाँ से थ्री एच का जो कॉन्सेप्ट है उससे फाइट है वो किया गया है। एक तो आप देखिए कि हजीबुल्ला है, हजीबुल्ला आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। सेकंड आप देखिए कि हमास है जो कि आपको गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स होती रेबेलियंस हैं जो कि बेसिकली रेड सी के अंदर प्रेजेंट है और उनके द्वारा समय समय पर इसराइल के ऊपर अटैक है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि 2030 तक हमें काफ़ी सारे जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्हें भी हमें अचीव करना है 2030 तक। इंडिया प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जो टॉप बिग 5 जो इकोनॉमीज है उसके अंदर आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। 28 हमारे यहाँ पे जो मीडियन एज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 63 जो पॉपुलेशन है, 63% जो पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का वो आपको वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो गैप है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो काफ़ी अधिक है। इंडिया आप देखें कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको हमें बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जाए। बट आप देखें कि यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमारा जो पॉपुलेशन है 63% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज के अंदर में है। बट आप देखिए कि जब भी हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में डिस्कस करते हैं तो वह यहाँ पे आपको ओनली 55% जो पर्सन है उनका ही इंगेजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आईएलओ के द्वारा बताया गया है कि जो लेबर इंटेंसिटी है वो कंटिन्यूस यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। सर्विस सेक्टर लेड जो इंडिया के अंदर आपको जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगा कि सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, काफ़ी कम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो कुछ रिफॉर्म्स को कैरी आउट करने का ज़रूरत है, लेबर जो इंटेंसिव वर्क्स हैं उनको भी यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। बट आप देखिए कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर में 45% पॉपुलेशन है वो इंगेज है और जीडीपी के अंदर में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको ओनली 18% है वो देखने के लिए मिलेगा कि लार्ज लेवल या अराउंड द 0.5% पॉपुलेशन है वो इंगेज है उस सेक्टर के अंदर में और जीडीपी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ओनली 18% है। अनरिकॉग्नाइज एंड अदर सेक्टर्स के परस्पेक्टिव से हम डिस्कस करें, जो लो प्रोडक्टिव एरिया हैं, नॉन एग्रीकल्चर एरिया, जब वहाँ पे भी आपको 19% जो पॉपुलेशन है उसका इंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करने का ज़रूरत है, स्किल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए जिससे कि बेटर वे के अंदर में जो यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जो एडवांसमेंट है उसको हम यूटिलाइज है वो कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्लाइमेट क्राइसिस का जो एजेंडा है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में जो टारगेट्स हैं उनको हमें 2030 तक अचीव करना है और स्टूडेंट्स इस सेक्टर के अंदर में क्लाइमेट के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के रिगार्डिंग में सोलार सेक्टर, आप देखिए कि सोलार एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में इंडिया का जो एडवांसमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बट कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जैसे कि हीट वेव के जो केसेज हैं वो सामने आए थे अभी समर के समय में। हमारा जो एयर क्वालिटी है वो आपको विंटर के समय नॉर्दर्न इंडियन सिटीज़ के अंदर विंटर क्वालिटी है वो डिट्रोटिंग कंडीशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि हमारा जो एनर्जी का जो डिमांड है, एनर्जी के डिमांड के अंदर में कोल के ऊपर
ओवर रिलायंस करना, कोल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होना, वो भी आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है। कार्बन मार्केट को हमें सेटअप करने का ज़रूरत है, जो एक क्रूशियल स्टेप यहाँ पे साबित होगा, क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जो हीट स्ट्रॉम के रिगार्डिंग में हीट के जो केसेज हैं, हीट स्ट्रेस के जो केसेज हैं, वो इंक्रीज होंगे समय के साथ में। CO2 का जो एमिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि जो स्मॉल लिविंग जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, सॉरी स्टूडेंट, शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट है उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस है हमारे कंट्री के अंदर में, जैसे कि ब्लैक कार्बन है। ब्लैक कार्बन के अलावा आप देखिए कि मिथेन है, और HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी को डील करने के रिगार्डिंग में हमें यहाँ पे जो कार्बन मार्केट है उसको सेटअप करने का ज़रूरत है, जिससे कि बेटर वे के अंदर हम यहाँ पे जो एमिशन के जो टारगेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकें, फंड को डेवलप किया जा सके, जिससे कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको अचीव किया जा सके यहाँ पे कार्बन, या आप देखिए कि किसी भी फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग का जो एमिशन है उसको टैकल करने के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में डिस्कस किया गया। लेटर फेज के अंदर जो किगाली एग्रीमेंट है, HFC जो गैसेज हैं उनके रिगार्डिंग में जो किगाली एग्रीमेंट है, किगाली एग्रीमेंट के द्वारा आप देखिए कि फेज वाइज मैनर के अंदर में हमारे यहाँ पे जो F गैसेज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस है वो किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मीथेन ट्रीटी के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो US, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा 2030 तक जो मीथेन का जो एमिशन है जिसको कि हमें रिड्यूस करना है 0% तक, तो मीथेन का जो ट्रीटी है वो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो यहाँ पे साबित हो सकता है एमिशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के रिगार्डिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ब्लैक कार्बन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, नेशनल क्लीन एयर एक्शन जो प्रोग्राम है आप देखिए उसके थ्रू ब्लैक कार्बन है उसको टैकल करने के बारे में मेंशन किया गया है। कार्बन मार्केट यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है उनको प्रोवाइड करेगा, जो कटिंग एमिशन है उसके अंदर हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, और हमारा जो टारगेट है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको यहाँ पे अचीव करना है, और ग्रीन हाउस गैस का जो 43% के आसपास जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है उसको हम अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, 2026 तक जो कार्बन मार्केट है उसको सेटअप किया जाए, और एमिशन का जो ट्रेडिंग है जो 2030 तक INDC जो टारगेट्स के रिगार्डिंग में जो एमिशन का जो ट्रेडिंग है उसको यहाँ पे एंश्योर किया जाए। स्टूडेंट्स, PM का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके द्वारा कुछ स्टेट्स का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में मेंशन किया गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है PM का, क्या आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। PM को इकोनॉमिक सेक्टर्स के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे एडवाइस है वो इनके द्वारा किया जाता है, एक एडवाइजरी ग्रुप है जो PM सर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट है वो किया जाता है। तो LPG रिफॉर्म्स है, 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स है उसके बाद में आप देखिए कि हमारे जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 के बाद में जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका जो पर कैपिटा इनकम है, वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ उसके बारे में मेंशन किया गया। उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो आप देखिए उसका जो बाइफर्केशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है 2000 के समय में, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो उत्तर प्रदेश एंड बिहार के वहाँ पे हुआ है आफ्टर द बाइफर्केशन के बाद में। जो बाइफर्केशन हुआ 2000 के समय में, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से आपको जो झारखंड है वो देखने के लिए मिलता है, और मध्य प्रदेश से आप देखें कि छत्तीसगढ़ है वो भी वहाँ पे क्रिएट किया गया था। महाराष्ट्र एंड गुजरात आप देखिए कि कॉन्स्टेंट उनका जो वेल परफॉर्मेंस है पर कैपिटा इनकम की रिगार्डिंग में आपको जो उनका वेल परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए मिलता है। पंजाब के वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, पर बाद में आपको जो यहाँ पे ग्रोथ है वो एक कॉन्स्टेंट देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कंटिन्यूस उसके अंदर इंक्रीज है वो नहीं है। आपको काफ़ी सारे हमारे जो पर्सनस हैं उनका भी आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम का जो यहाँ पे इनइक्वलिटी है उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे पर्सनस हैं जो बाहर के लिए भी माइग्रेट करते हैं वो भी आपको देखते मिलता है। ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वन ऑफ द कंसर्न सिचुएशन के अंदर में है कि लेबर्स है उनका प्रेजेंस काफ़ी अधिक है, जो पर कैपिटा प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है। टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया स्टूडेंट, टेलीस्कोप के रिगार्डिंग में किस लेंस को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कॉनकेव लेंस का जो यूज है वो आपको टेलीस्कोप के अंदर देखने के लिए मिलता है। किसी भी जो सेलेस्टियल बॉडी है
उसका जो वो यहाँ पे जो लाइट है उसको एमिट किया जाता है, उसको डिटेक्ट करने के रिगार्डिंग में उसके ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट टेलीस्कोप का ये जो आर्टिकल है उसको आप अच्छे से रीड करना, आज के न्यूज़पेपर के अंदर में काफ़ी कुछ यहाँ पे टेलीस्कोप के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। आप देखिए कि कल हमने आपको आई के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है वो पूछा था कि ह्यूमन आई के अंदर में कौन सा जो लेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है, क्या हमारे ह्यूमन आई के अंदर में आपको कॉन्वेक्स लेंस है वो देखने के लिए मिलेगा या कॉनकेव लेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका फिर से होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताइए। और आप देखिए कि टेलीस्कोप के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको कुछ ऐसे भी टेलीस्कोप है जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप है, 30 मीटर टेलीस्कोप है जो कि मोयना जो वहाँ पे लेक है वहाँ पे सिचुएटेड है, मोयना जो माउंट्स हैं बेसिकली हवाई के एरिया के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि हबल टेलीस्कोप है, जेम्स वेबल जो टेलीस्कोप है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ टेलीस्कोप्स हैं जो भी न्यूज़ के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे लोकसभा इलेक्शन के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 100 डेज का जो वर्क है वो कंप्लीट हुआ है, तो उसके बारे में पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स वो उनके द्वारा यहाँ पे 100 डेज का जो समय है उसके अंदर में लिए गए हैं। तो आप देखिए कि पीएम सर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया कि मेडिकल कॉलेज का जो नंबर्स हैं वो उसके अंदर जो सीट्स हैं वो इंक्रीज की गई हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। मेडिकल कॉलेज के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे विलेज के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप किया गया। हमारे जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाए, लखपति दीदी का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में, और पीएम आवास योजना है और भी जो उज्ज्वला योजना है ऐसे काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी पीएम सर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि मेंशन किया गया है 100 डेज के ही प्रोग्राम के अंदर में मणिपुर के रिगार्डिंग में कि डिस्कशन एंड डायलॉग के थ्रू ही बोथ पार्टीज अगर यहाँ पे टॉक करें, डिस्कशन एंड डायलॉग के थ्रू ही जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है। आप देखिए कि जो जोनल काउंसिल आपको देखने के लिए मिलता है, जोनल काउंसिल जिसको कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था, तो जोनल काउंसिल को हेड किसके द्वारा किया जाता है, हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही किया जाता है। कॉलेजियम अपॉइंटमेंट के बारे में है, हाई कोर्ट के कुछ पर्सन से उनको अपॉइंट किया गया था, उसके अंदर कुछ चेंजेज यहाँ पे किए गए हैं, तो आपको थर्ड जज केस के रिगार्डिंग में पता होना चाहिए हाई कोर्ट्स के अंदर जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में कि किन किन पर्सन्स को यहाँ पे इंगेज किया जाता है हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के दौरान में। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो तो देवसांग प्लेन्स हैं उनके बारे में है, आप देखिए कि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि हमारा लद्दाख का जो पार्ट है वहाँ पर सिचुएटेड है और चाइना और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसके दौरान में आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो सपोज कीजिए इस तरीके से ये एरिया है, सपोज कीजिए इस तरीके से एरिया है, यहाँ पे आपको जो दौलत बेग ओल्डी का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। दौलत बेग ओल्डी जो इंडिया के द्वारा वहाँ पे आप देखिए कि हाईएस्ट इंडिया का जो फाइटर जेट के रिगार्डिंग में जो आपको एयर स्ट्रिप है उसका वहाँ पे प्रेजेंस है। तो स्टूडेंट्स ये दौलत बेग ओल्डी है, आप देखिए कि दौलत बेग ओल्डी है वो बेसिकली यहाँ पे जो सियोक रिवर है उसका भी यहाँ पे प्रेजेंस है। काराकोरम जो रेंज है उसके मिड वे के अंदर इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। दौलत बेग ओल्डी के बारे में बाद में अगर हम डिस्कस करें उसी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो देवसांग प्लेन्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। देवसांग प्लेन्स है वो आपको यहाँ पे इसी के सदर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि आपको जो गलवान वैली का जो कन्फ्लिक्ट है जो 2020 के समय न्यूज़ के अंदर में था, तो गलवान वैली का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम उसके अगर सदर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर जो होट स्प्रिंग है उसका प्रेजेंस है, और आप देखिए कि उसी के सदर्न पार्ट के अंदर में हमारा जो प्योंगयोंग लेक का जो यहाँ पे कम्प्लीटली प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आप देखिए कि कुछ एरियाज हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सियोक रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, काराकोरम रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और स्टूडेंट जो प्योंगयोंग लेक है वो बेसिकली आप देखिए कि रामसर साइट का जो पार्ट है वो नहीं है लद्दाख के वहाँ पर। प्योंगयोंग लेक बेसिकली आपको इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री है उसको भी क्रिएट करता है, हाफ एरिया के अंदर में जो बाउंड्री है वो यहाँ पे क्रिएट होता है।
तो इन एरियाज़ को एक बार आप ज़रूर से गूगल करना, इनके बारे में रीड करना, क्योंकि आप देखिए कि ये जो टॉपिक्स हैं वो क्यों न्यूज़ के अंदर में हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको कि यहाँ पे डिसंगेज है वो किया गया है डिस्कशन के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूक्रेन एंड गाज़ा का, जो आप देखिए कि रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, इसराइल का हमास के वहाँ से जो कन्फ्लिक्ट है गाज़ा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में, वो भी यहाँ पे क्वेड का जो मीटिंग है उसके दौरान में इंडिया यूएस का जो डिस्कशन है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेड का मीटिंग है वो यूएस के वहाँ पे ज्वाइन किया जाएगा हमारे पीएम सर के द्वारा, क्योंकि आप देखिए कि क्वेड का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, बट अब यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ही मीटिंग के दौरान में क्वेड का मीटिंग यूएस के वहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेटा नाम का जो ग्रुप कंपनी है उसके बारे में है, रसिया का जो ऑफिशियल जो चैनल है उसको यहाँ पे अबोलिश करने के बारे में न्यूज़ को मेंशन किया गया है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो वेनेजुएला, आप देखिए कि जहाँ पे ग्लेशियर्स का डिसअपियर हुआ है वेनेजुएला के, वहाँ पे पेट्रोलियम का हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है या हाईएस्ट इनके वहाँ पे जो रिजर्व है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो वेनेजुएला है वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन के बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली जो स्कूल्स के अंदर में जो अटैक है उसके पर्सपेक्टिव से है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, इम्पोर्टेंट है। माली के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि माली के वहाँ पे कुछ वायलेंस का जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर रहा करते हैं ये कंट्रीज वायलेंस की वजह से। और नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो पेजर्स हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से, उन पेजर्स के अंदर ब्लास्ट हुआ है हजीबुल्ला के वहाँ पे, हजीबुल्ला जो कि इसराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है जॉर्डन के वहाँ पे उसका सिचुएशन है, सॉरी लेबनान के वहाँ पे उसका जो प्रेजेंस है, हजीबुल्ला नाम का जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका, तो उनके द्वारा कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में जो पेजर्स हैं उनको यूज़ किया करते थे, उनके वहाँ पे जो ब्लास्ट है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, आर्मी को पावर दिया गया है पुलिसिंग की रिगार्डिंग में, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है ये बेसिकली कुछ न्यूज़। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन, आप इसको रीड कीजिए, आप इसको रिवाइज़ कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन ज़रूर से कीजिए, होमवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, होमवर्क के अंदर आंसर है वो ज़रूर से दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।